अब विर्क फैमिली से निकलना होगा जैस्मिन को, क्योंकि अब जो है उसके सारे दांव फेल हो चुके हैं। कैसे फतेह जैस्मिन को अब यहाँ से आउट करने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। फाइनली जैस्मिन की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आ रही है। जैस्मिन का जो भांडा है वो तो नहीं फूट पाया कि ये प्रेगनेंसी जो है वो फेक थी या नहीं थी, लेकिन एक काम तो ज़बरदस्त हुआ है और वो ये कि जैस्मिन का जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो गया है, और जिस बच्चे के नाम पर वो हमेशा खेला करती थी, जिसका वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करती थी, वो ट्रम्प कार्ड ही हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। और अब जो है यहाँ पर जो जैस्मिन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होने वाली है, और इसी के साथ ही साथ फतेह जो है वो जैस्मिन को अब जल्द से जल्द घर से निकालने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि अब जो है जैस्मिन और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। तो अब जो है क्या करने वाली है जैस्मिन, क्या जैस्मिन का वही सारा रूप फिर से देखने को मिलने वाला है विर्क फैमिली को? जी हाँ, कुछ ऐसा ही अब हो सकता है देखने को मिले जैसा कि आप सब ने जैस्मिन को पहले देखा है। फिलहाल तो अभी जैस्मिन बहुत ही अच्छा अच्छा बनकर चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब उसे लगेगा कि भाई मकसद जो है उसका कामयाब नहीं हुआ और उसके सारे मकसद पर पानी फिर गया, उसका बच्चा भी नहीं रहा, और अब वो किसके सहारे यहाँ पर विर्क फैमिली में आएगी, तो हो सकता है वो विर्क फैमिली को फिर से अपना वही वाला चेहरा दिखाए जो पहले सबने देखा है। और ये देखने के बाद गुरप्रीत के तो होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि गुरप्रीत ही सबसे ज़्यादा जैस्मिन किया करती थी, और तो कोई नहीं करता था, सिर्फ गुरप्रीत ही एक ऐसी थी जो कि हमेशा जैस्मिन किया करती थी। तो यहाँ पर गुरप्रीत को भी झटका लग सकता है, साथ ही साथ यहाँ विर्क फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विर्क फैमिली काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है। अब देख लीजिए, जब विर्क फैमिली को पता चल गया है कि तेजो नॉर्मल हो चुकी है, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, तो हर कोई तेजो को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उस वक्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया था तेजो को, जिस वक्त तेजो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और देख लीजिए, तेजो अब भी लगातार विर्क फैमिली को सपोर्ट करने में लगी हुई है। तभी तो देख लीजिए, वो सिमरन के हस्बैंड से भी लड़ती नज़र आती है, और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो जैस्मिन का सीन होने वाला है उसे देखकर आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब फतेह जो है वो जैस्मिन को यहाँ से हटाने वाला है, क्योंकि अब तो जैस्मिन का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, और फतेह को पता है कि अब जैस्मिन के पास कोई काम नहीं होगा, अब जैस्मिन का सिर्फ मकसद बुरा ही होगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जैस्मिन अब फिर से अपने उसी रूप में आने वाली है, और यहाँ पर विर्क फैमिली को, संधू फैमिली को और तेजो को भी असली चेहरा जो है वो जैस्मिन का देखने को मिलने वाला है। और ये देखने के बाद जो तेजो है वो एकदम शॉक्ड होने वाली है कि जैस्मिन तो कभी सुधरी ही नहीं थी, और फिर तेजो को इस बात का पछतावा होगा कि एक बार फिर से जैस्मिन ने उसे धोखा दिया है। और फिर यहाँ पर जो है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने वाली है जैस्मिन, जिसे देखने के बाद तेजो जो है वो जैस्मिन को कड़ी सज़ा देगी, तो वहीं पर फतेह भी जैस्मिन को कड़ी सज़ा देने वाला है। और फिलहाल तो यहाँ से जो विर्क फैमिली से निकलने वाली है जैस्मिन, कैसे वो यहाँ से निकाली जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि जैस्मिन अब क्या करने वाली है, क्योंकि अब तो सब कुछ ख़त्म हुआ है, अब आगे कैसे सारा कुछ मैनेज करने वाली है, यानी कि साजिशों को अब कैसे अंजाम देने वाली है, क्या साजिश करने वाली है। फिलहाल कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग ट्रैक पर है। हाँ, अब इस बात को लेकर भी जैस्मिन सिंपैथी ले सकती है तेजो से कि उसका बच्चा मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन अब ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।